बिहार में लगातार पुल गिरने की घटना के बाद अनोखे पुल का भी मामला सुर्खियों में है। इस मामले में अररिया जिला कुख्यात बना हुआ है, जहां पर धान के खेत में पुल निर्माण कर दिया गया है, जिसके आगे और न पीछे सड़क के कोई निशान है। दरअसल रानीगंज ब्लॉक के परमानंदपुर गांव में ऐसा ही एक नमूना पुल मिला है, जिसे ग्रामीण कार्य विभाग ने 3 करोड़ की लागत से खेत के बीचों बीच बना दिया है, जिसके आगे पीछे कोई सड़क नहीं है। इस अनोखे पुल की चर्चा सुर्खियां बटोर रही हैं। उधर अररिया जिला के पलासी में भी ऐसा मामला सामने आया है। पलासी ब्लॉक के ब्रह्मकुंभा पंचायत के बेलपरा वार्ड नंबर 4 में बकरा नदी की धार में बना पुल अप्रोच नहीं बनने के कारण सफ़ेद हाथी बना हुआ है। पुल निर्माण कार्य 2021 में चालू हुआ था, जो 2022 में बनकर तैयार हो गया, लेकिन इससे जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस पुल का अप्रोच पथ नहीं बनने के कारण करोड़ों का पुल बेकार पड़ा हुआ है, जबकि ये रास्ता बेलपरा, डुमरिया, तरबी, ब्रह्मकुंभा, दौलतपुर, खपड़ा गांव को सोहंदर हाट से जोड़ता है। लोगों का दावा है कि पुल का अप्रोच जिस जमीन पर बनना है वो खाता की जमीन है। अब एक सवाल तो उठता है कि जमीन का निरीक्षण किए बगैर पुल का निर्माण कैसे कर दिया गया। ठेकेदार गलत है और यहाँ का मुखिया तो कोई बात नहीं, दुखिया है। 5 बार हम कॉल किए, अभी तक मुखिया जी नहीं पहुंचे यहाँ। ये पुल कब बना? अकेश में शुरुआत, अकेश में हुआ है। अभी तक ये अप्रोच कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं हुआ है। 2 किलोमीटर घूर के हम लोग जाना आना करते हैं और साइकिल भी यहाँ नहीं चलता है। बैग तो हटाइए। तो इसमें लापरवाही किसकी है? वो ठेकेदार की लापरवाही है। नदी है जो बकरा नदी है ना, इसी पर पुल बना है। ये 2021 में ही इसका काम चालू हुआ था सर, उसमें में काम जिस तरह होना चाहिए वो हुआ। इसके बाद दोनों साइड से अब कह रहा है, जमीन वाला परेशान कर रहा है कि नहीं मेरा जमीन है, वो इधर का आदमी बोल रहा है मेरा जमीन है। दोनों तरफ से मिट्टी ही पड़ने नहीं दे रहा है, जिसके चलते हमको खास करके सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि दिन में 3 बार आते हैं तरबी चौक, उसके चलते हमको 4-5 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है तब आना पड़ता है। पुल के इस तरफ और पुल के उस तरफ कौन गांव पड़ता है? पुल के इस तरफ ब्रकुंबा हो गया सर, पुल के इस तरफ हो गया बेलीपर्रा हो गया, डुमरिया हो गया पड़ता है। मुख्य सड़क यही है। यहां से जोकी हाट कितना दूर पड़ रहा है? 12 किलोमीटर सर। और पलासी यहां से 19 किलोमीटर। तो यहां जो पुल निर्माण किया गया है जी, इस पे किसकी लापरवाही बता रहे हैं आप? यहाँ का मतलब सर प्रतिनिधि भी कुछ साथ नहीं दे रहा है, और प्लस रह गया ठेकेदार सर, वो जो क्या क्या करके उसने हम किया था सर, उसको वो इसी को पता होगा ना सर, हम लोग तो पब्लिक, हम लोग को क्या मालूम। बेलपर्रा और बढ़कुमा के बीच में बकरा नदी के धार है उसमें, और इसलिए ये जरूरत इसलिए है कि लगभग इधर 50,000 के लाखों का आबादी है और रूट यही आने जाने का है, मुख्य सड़क से जोड़ना। जैसे हम ब्लॉक अपना जाते हैं प्लासी, यही रूट मेरा जाता है। बगल का ब्लॉक मेरा जोकी हाट है, जहाँ के जरूरत के सारे सामान हमारे वहाँ मिलते हैं, इसी रूट से जाना आना है। और इसके बगल में जो पुल था बहुत पूर्व कब का बना हुआ, 1990 का बना हुआ था, वो भी ध्वस्त है। लमसम मेरे यहाँ के 500 बच्चा पढ़ने जाते हैं बगल में विद्यालय, अगर ये पुल अगर या वो पुल दोनों में कोई अगर सक्सेस नहीं हुआ तो सब बच्चा अनपढ़ के अनपढ़ ही रह जाएगा घर में, ये स्थिति है यहाँ का। दूसरा बात, ये जो पुल बना, इस पुल के पीछे बहुत सारा उद्देश्य था, जो कि लोगों को ब्लॉक से जोड़ा जाता या हर समस्या का समाधान हो सकता। एक देहाती क्षेत्र के मेरे यहाँ 2-2 CSP है और लोग का रूट यही है निकासी का, मेरा ऑप्शन और कोनो नहीं। आज अगर बारिश हो जाता है, बारिश हो जाता है तो मेरे यहाँ का मोटरसाइकिल का रास्ता नहीं जो यहाँ से निकल सके कहीं जाने के लिए। अगर स्वास्थ्य का हमें अगर जरूरत पड़ जाए, आज मेरे यहाँ कोई आपातकालीन कोई घटना हो जाए या मेरे यहाँ डिलीवरी पेशेंट है, तो हमको लगता है आज का स्थिति में हमें वही आदम जमाने वाला जो कहानी था वो ठेला में कस के तब लेके पार करना पड़ता है नदी। किसको दोष देते हैं? दोष यहाँ का ठेकेदार है, जो ठेकेदार है उसके साथ अगर कोई समस्या हो तो उसका समाधान तो वो कर सकता था, या उससे नहीं हुआ तो समाज को बिठाता और लोगों को साथ लेता, या ब्लॉक में मेरे CO साहब थे उसको आवेदन देते। कुछ लोग का कहना है कि दोनों तरफ पोल के दोनों तरफ जो है जमीन की लड़ाई चल रही है। नहीं, जमीन का व्यक्तिगत कुछ नहीं है, थोड़ा सा मुंह में जमीन का व्यक्तिगत कुछ लड़ाई नहीं है, यहाँ बस सेंटीमेंट का जरूरत है। यहाँ जो सिस्टम है, सिस्टम मिलाने का जरूरत है। अगर ठेकेदार चाह लेते तो कोई बड़ा बात नहीं था। आज हमारे CO साहब को आवेदन देते, CO साहब इसमें जांच बैठाते, या सरकारी अमीर से नपवाते जमीन को, बहुत सारा सिस्टम है। लेकिन ठेकेदार क्या क्या अपना काम किया, जितना जो करना था, जो निकासी करना था करके वो अपना। क्या इस मामला को लेकर कभी जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया गया है? नहीं, ग्रामीण तो ऐसा कुछ नहीं किया है।
नहीं किया गया। लेकिन ब्लॉक लेवल तक गया। हाँ, ब्लॉक लेवल तक गया था और हम लोग ठेकेदार के भरोसे थे और इन लोग ठेकेदार होते हैं, जब काम करने आते हैं तो सर्वो सर्वा हम लोग उसको मानते हैं। क्या मुखिया जी ने कभी कोई पहल उठाया है? नहीं, मुखिया जी ना तो पहल उठाए ना तो ठेकेदार की तरफ से मुखिया जी को कहा गया कि मेरे साथ ऐसा समस्या है या कोई इसी तरह की परेशानी है। आप जब उसको समस्या बताइएगा तब ना आपका समाधान करने चाहेगा।